शंभो नमस्कार मित्रों। मित्रांनो, आज आपल्या पाटलाच्या चावडीवर असे व्यक्ती आमंत्रित आहेत ज्या राजकारणात, समाजकारणात आणि व्यवसायात अग्रगण्य आहेत। तसेच सामाजिक क्षेत्रात काम करताना जो कोणी त्यांच्याकडे आला त्यांनी कधी त्याला धर्म, जात, पक्ष हे कधी न विचारता स्वखिशातले पैसे घालून त्याच्यासाठी त्यांनी काम केलेलं आहे। त्यांनी दिवस बघितला नाही, रात्र बघितला नाही, ऊन बघितला नाही, पावसाळा बघितला नाही, पण समाजासाठी काम करण्याचं वेळ जे त्यांच्याकडे आहे ना ते अफलातून। आणि खरं सांगू मित्रांनो, अशी व्यक्तिमत्व ज्या वेळेला समाजात असतात ना तेव्हाच समाजात हे सगळं जे चाललंय त्यामध्ये बॅलन्स होतो, समाजाचं कल्याण होतं, समाजाचं भलं होतं। तर त्यांनी आजवरच्या त्यांच्या या राजकीय जीवनामध्ये, म्हणजे त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित आहेत, त्या त्याच्यासाठी कामही करतात, त्या पदाधिकारी देखील आहेत, पण त्याहून उपर जाऊन त्यांनी देखील काही ठळक मुद्दे स्वतःच्या अखत्यारी त्यांनी राबवलेत। त्यातला पहिला जो ठळक मुद्दा आहे तो आहे नशा मुक्त महाराष्ट्र, हा त्यांचा पहिला मुद्दा। दुसरा मुद्दा आहे नारी का सन्मान, महाराष्ट्राचा अभिमान। आणि तसंच शक्ती कायदा हा नेक्स्ट टू, जसा पहिला जी हैदराबादमध्ये केस झाली होती आणि कोणता होता तो कायदा, दिशा कायदा जो होता आंध्र प्रदेशमध्ये, तर तिथे जो कायदा राबवला गेला तसाच कायदा महाराष्ट्रामध्ये देखील राबवला जावा यासाठी सुद्धा त्यांचं मोठं योगदान आहे। ते कसं काय 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 घटना त्यामध्ये घडल्या हे सगळं आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ। तर चला मित्रांनो, आपण स्वागत करूया फेमिदा हसन खान यांचं। नमस्कार ताई। नमस्ते। पाटलाच्या चावडीवर आपलं स्वागत आहे। पाटला की चावडी के सारे दर्शकों को मैं फेमिदा हसन खान की तरफ से सलाम नमस्ते। ताई, माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की नशा मुक्ती महाराष्ट्र या मोहिमेकरता आजवरचे आपले योगदान। नशा मुक्त महाराष्ट्र जो हमने मोहिम चालू की, मुझे बराबर याद है 1 अक्टूबर के रोज मैं सुप्रिया ताई के पास गई थी, 2020 की घटना है। मैंने ताई को बोली, ताई आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन को चलते बहुत सारी हमारी जो छोटी जनरेशन है, जो यूथ पीढ़ी है, वो नशे के अंदर चली जा रही है, तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसी वजह से 1 अक्टूबर को मैंने ताई को लेटर दिया कि मुझे नशा मुक्त महाराष्ट्र की मुहिम चालू करना है। और ताई ने इतनी जल्दी मुझे रिस्पांस दिया है कि इतनी जल्दी से मुझे जिस हिसाब से उन्होंने मदद की है, तो 2 अक्टूबर से ही ये मुहिम मेरी शुरू हो गई और 6 से 7 महीने के अंदर 135 करोड़ का गुटखा आज हमने जमा किया है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी हमारी सुप्रिया सुले जी का, हमारे जयंतराव पाटिल जी का, हमारे अजीत दादा का और राजेंद्र सिंगणे जी का और अनिल देशमुख जी का, क्योंकि उन्होंने जो मुझे लाइनअप करके दिया उस हिसाब से। उन्होंने जब भी नए कमिश्नर आए थे सदानंद दाते जी मीरा रोड में, उन्होंने पूरा का पूरा रूट हमारा मीरा रोड का बंद करके रखा। ये वे तो गुटके लोगों के लिए बंदी है, उसके चलते फिर एनसीबी भी एक्टिव हुई और उसके अंदर जो ड्रग्स वगैरह भी पकड़ते गए, मेरे को भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे बड़ा इसके अंदर अगर हाथ होगा तो ये हमारी जनता का है कि जनता ने मुझे इतना सहकार्य किया है, क्या जरा सा भी किधर उनको दिखता है कि यहाँ कुछ गैर व्यवहार चल रहा है तो वो मुझे फोन करते और जाके अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करते हैं। ओके। खरं म्हणजे ताई, तुमचे आणि तुमच्यासारख्या अगणित लोकांचे समाजावर उपकार आहेत की हे विष जे तरुण पिढीला नासवत आहे आपल्या देशाच्या, आणि आपला देश हा संपूर्ण जगामध्ये आज नंबर 1 आहे, युथ ज्याला आपण म्हणतो, आज ती जर नसलं तर आपल्या देशाचा कणा मोडेल। पण हा देशाचा कणा स्ट्रॉंग ठेवण्यासाठी जी तुम्ही मोहीम राबवताय ही खरंच हॅट्स ऑफ आहे। बरं ताई, मला सांगा नारी का सन्मान महाराष्ट्र का अभिमान हे नक्की काय आहे, म्हणजे ही मोहीम काय आहे? ये नारी का सन्मान महाराष्ट्र का अभिमान, जैसे कि कल ही उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि जो परप्रांतीय है उसकी नोंदणी होना चाहिए। जैसे कि अभी जो तरोताजा जो मुद्दा है वो है साकीनाका का जो रेप केस हुआ, उसमें जिसके ऊपर ये अमानवीय घटना हुई है, उसका डेथ हो चुकी है उसकी, उसको लेके भी ये कहा जाता है कि कहां ना कहां महिला सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है
और हमारे उप मुख्यमंत्री जो अजीत दादा है, वो दोनों ने 9 महीना पहले मैंने ताई को लेटर दिया था कि दिशा कायदा जो है वो हमारे महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि ये जो है रेप के लिए बहुत अच्छा कायदा है, जिससे कि लोग जो है वो ये घटना करने से डरते हैं, ये कृत्य करने से डरते हैं। तो ये जो दिशा कायदा है, मैंने ताई को लेटर दिया, ताई ने वो कायदा हमारे गवर्नमेंट में महाराष्ट्र स्टेट में इम्प्लीमेंट करवाया। इसके लिए मैं ताई का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उद्धव साहब का भी और हमारे अजीत दादा का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने शक्ति नामक कायदा हमारे महाराष्ट्र में लागू किया है, जिसके अंदर 21 दिन के अंदर अगर रेपिस्ट साबित उसके ऊपर गुनाह हो जाता है तो 21 दिन के अंदर उसे सजा होनी चाहिए। और ये कायदा आने के बाद में आप देखेंगे कि रेप केस बहुत कम हो गए, लेकिन वापस से जैसे अभी ये सेकेंड वेव आई उसके बाद में वापस से जब लॉकडाउन हुआ, तो ये जो पर प्रांतीय है जो बाहर से आते हैं ये काम करने से डरते नहीं है। इसका भी एक रीजन है कि काम करने से ये डरते क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से वापस अपने मादरे वतन मतलब अपने देश वापस भाग सकते हैं। और यहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं, जो यहाँ ही रहते हैं, जिनका आधार यहाँ पे है, जिसका वोटिंग यहाँ पे है, जिनके पैन कार्ड यहाँ के नंबर पे, जो यहाँ पे स्थायी है, वो स्थायी लोग डरते हैं क्योंकि उनके वहां तक पुलिस पहुंच जाएगी, उनकी सोसाइटी में बदनामी होगी। लेकिन ये जो पर प्रांतीय लोग है, उनकी नोंदणी किधर भी नहीं होती है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से वो भाग सकते हैं। इसी वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कल स्टेटमेंट दिया है कि पर प्रांतीय की नोंदणी होनी चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से बहुत सही स्टेप है। ओके, ताई खरं सांगायचं तर शक्ती कायदा हा महाराष्ट्राला वरदान आहे, परंतु हा संपूर्ण देशामध्ये लागू करावा अशी एखादी मागणी तुम्ही लावून धरली आहे का? मैंने अभी ही जो राबिया रेप कांड हुआ है, जो बहुत बुरी तरीके से मतलब निर्भया पार्ट टू दिल्ली का राबिया जो सेफी का जो मर्डर हुआ और उसके पहले उसके पास रेप हुआ, उसके अंदर तो इतनी बुरी तरह से कि उसके प्राइवेट पार्ट काटे गए, उसके स्तन काटे गए, उसकी हलक में यहां से छुरी डाल के पूरा ये गर्दन काटी गई, इतनी सी गर्दन उसकी बचा के रखा है। उसके ऊपर मैंने सुप्रीता को भी वो लेटर दिया है कि ताई ये जो दिशा कायदा और जो शक्ति कायदा सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट में लागू नहीं होते हुए पूरे भारतवर्ष में ये लागू किया जाए, ताकि ये नराधमों के ऊपर किधर न किधर सख्ती हो। बरोबर ताई, खरच हा लाजिरवाणा प्रकार जो संपूर्ण देशामध्ये घडतोय, आणि खास करून तसं बघायला गेलं तर आज खरच ह्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांची गरज आहे की ताबडतोब न्याय ह्या लोकांना झाला पाहिजे, कारण यांचा जात धर्म इमान असं काही नसतो। जिथे आया बहिणींची आबरू राखली जात नाही त्या देशाची आबरू गमावल्यासारखा हा मुद्दा आहे। बरं, मला अजून एक थोडस विचारतो, ज्यावेळेला तुम्ही परप्रांतीयांचा विषय आता लावून धरता किंवा किंबहुना आता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आता याच्यावर सुद्धा विरोधक झोड उठवतील किंवा काय, परंतु खरंच असं बघण्यात आलंय अनुभवण्यात आलंय की बाहेरनं जे लोक येतात ते बऱ्याच याच्यामध्ये सगळेच काही फसवे नाहीये, पण त्यातले काही जे आहेत त्या मेंटॅलिटीमध्ये तसे असतात तर की फसवण्याचा किंवा कोणाला टार्गेट करून त्याची काहीतरी संपत्ती हडप करण्याचा किंवा आणखी काही गोष्टी असतील। तुमच्या अनुभवात किंवा तुमच्या आजूबाजूला अशी काही घटना घडल्या आहेत का ज्याच्या तुम्ही स्वतः साक्षीदार आहात किंवा त्याच्यासाठी आज तुम्ही लढताय? आज मैं काफी टाइम से इसके ऊपर काम कर रही हूँ। इसके अंदर मेरे पास में जो चार बड़े केसेस ऐसे आए हैं कि आज मुंबई एक माया नगरी के नाम से जानी जाती है और इकोनॉमिक हब के नाम से जानी जाती है, कि जो पर प्रांतीय यहाँ अपने रोजी रोटी के लिए आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं देखूं कि मेरे पास में जो चार केसेस आए उसमें दिल्ली और हरियाणा के ही लड़के हैं, जो ये फिल्म लाइन में स्ट्रगल करती है लड़कियां, जो सेल्फ डिपेंड रहती है, जो अपने आप से जीविका अपनी निर्वाह की निकालती है, उनको अपनी माया जाल में फंसाने के बाद में उनके साथ में छल करते हैं और उनके साथ में मैरिज भी करते हैं, लेकिन बाद में अगर वो पकड़े जाते तो बोलते हमने ये फेक मैरिज किया था, हमारी ये शूटिंग चालू थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो फेक मैरिज था तो क्या आपने जो उनके साथ में रातें गुजारी है वो क्या पॉर्न फिल्म बनाने के लिए आपने ये रातें गुजारी थी? तो इसके ऊपर भी एक केस बनता है। मेरे पास में जो चार केस आए उसमें लेटेस्ट अभी का जो 3 महीने पहले का केस है वो आर्य कॉलोनी का केस है। वो जो लड़का था प्रवीण सिंह करके,
वो दिल्ली का चोर था जो गाड़ियां चोरी करके, उसके नाम से दिल्ली में बहुत सारे FIR है, वो यहाँ नाम बदली करके आदित्य नोवा करके यहाँ पे आया। उसने हालांकि वो शादीशुदा होने के बाद में, उसको 13 साल की लड़की और 11 साल का लड़का है, यहाँ दो लड़कियों को पहले फंसाया उसने, सिर्फ ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप जो हमारे प्रधानमंत्री ने उनको मंजूरी दी है उसके तहत वो रह रहे थे, दो लड़कियां वैसी फंसी, फिर चौथी लड़की से उसने वापस से शादी किया। शादी करने के बाद में उसका जो घर था वो अपने नाम पे करवाया, उसके बाद में उसके पास से पैसे लेता गया। वो लड़की को जब पता चला कि अभी भी ये अफेयर कर रहा है, 4 से 5 ऐसी लड़कियां थी उसके बाद में भी उसने वो अफेयर चालू रखा। तो आज मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे सुप्रदेव सुले जी को, जयंतराव पाटिल जी को कहूंगी कि आप ये अपने विधानसभा में और आपकी लोकसभा में ये मुद्दा उठाए कि ये जो परप्रांतीय आते हैं और यहाँ शादियां करके लड़कियों को जो छल करते हैं, तो उसके ऊपर रासुका लगाई जाए, जन्मठेप की सजा कायम कराई जाए, उसके अगर ऊपर अगर ये गुना साबित होता है तो, क्योंकि अगर ये लड़का वापस बाहर आएगा तो और 10 लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा। जब 10 से 12 लड़कियां ऑलरेडी इसके गवाह बन चुकी है, कोई कोई लोग सामने इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनकी अभी जिंदगी पटरी पर चली चलती है, किसी ने शादी कर ली, किसी को बच्चे हो गए, तो वो अपनी रियल लाइफ में से बाहर आके इसके पीछे वापस से कंप्लेंट करके अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो लड़का है उसने 10 से 12 लड़कियों की जिंदगी खराब की है। दूसरा एक समता नगर का केस मेरे पास में है कि जिसके ऊपर 2 मई 2021 के रोज 10 ऐसे गुने लगे हैं कि जो बहुत अहम गुने हैं, उसके बाद भी अभी तक का उसका कोई भी गिरफ्तारी हुई नहीं है। तो समता नगर पुलिस स्टेशन के जो हाके साहब है उससे भी मैं कहना चाहूंगी, हमारे DCP जोन 12 के स्वामी साहब है उसे भी मैं कहना चाहूंगी कि इसको भी बहुत जल्दी से गिरफ्तार करके आना चाहिए। दूसरे जो केसेस है वो दो केस में लड़कियां, क्योंकि वो पैसे से समृद्ध नहीं थी, तो कब तक वो जाएगी पुलिस स्टेशन, कब तक वो वकील को देगी, तो वो बेचारे अपने गांव वापस लौट गई है, अपने जो खाप थे वो खाप साथ में अपने लेके चले गए। तो मैं ये चाहूंगी कि ये रासुका है जो रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा ये लड़कों के ऊपर लगाया जाए जिसके ऊपर ये गुनाह साबित होता है, और उनको जन्मठेप की सजा दी जाए। ताई आता तुम्ही रासुका बद्दल बोललात किंवा याच्यामध्ये, आता थोड्या वेळापूर्वी आपण ज्या वेळेला शक्ती कायद्याबद्दल बोलत होतो, तुम्हाला नाही का वाटत की ज्या मुलींची फसवणूक होते त्यांच्यासाठी सुद्धा असा एखादा कायदा असावा? कारण जसं आता तुम्ही म्हणालात की ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते तर लावून धरतात हा मॅटर, पण ज्यांच्याकडे खरंच नाहीये, ज्यांची आबरू गेली, ज्यांचं धन गेलं, तन गेलं, मन गेलं, आज ते नाईलाज होतो आणि मग समाजाला तोंड दाखवू शकत नाही म्हणून एकतर आत्महत्या करतात किंवा कुठेतरी कोपऱ्यात जाऊन पडतात। तर याच्यासाठी सुद्धा काही तुमच्या डोक्यामध्ये चाललंय की या गोष्टीसाठी काही करावं या मुद्द्यावर? मुझे यही लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने, वैसे भी महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पहले से राष्ट्रीय महिला सुरक्षा और महिला अत्याचार के विरुद्ध बहुत अच्छे अच्छे कायदे बना चुकी है और तत्पर रहती है। आज मुंबई पुलिस है, उनको भी सलाम है, हेडशॉप है कि यहाँ पे मुंबई में और महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन ऐसा कोई कायदा बनाना चाहिए कि ये लोग जो परप्रांतीय आके फसाणूक करते हैं, अभी जैसे रेप के लिए तो शक्ति कायदा बन गया है, लेकिन ये जो फसाणूक वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर भी ऐसा कुछ उम्र कैद का कायदा कुछ लागू करे, जैसे कि ये आदमी बाहर आके या ये लड़का बाहर आके वापस से कोई भी लड़कियों की जिंदगी खराब ना करे। ओके, ताई आता कसं होतं की समाजामध्ये दोन घटक आहेत, महिला आहेत, पुरुष आहेत। आज जर एकाच बाजूने आपण बघत राहिलो, अशाही समाजामध्ये घटना घडतात की जिकडे पुरुष निर्दोष असतो पण त्याला कुठेतरी फ्रेम केलं जातं आणि महिला असल्यामुळे तिला एक कळतं की मी काही जरी नुसतं असं हे जरी करून पोलीस स्टेशनला गेली तरी त्याचं अख्खा पुरुषाचं आयुष्य ते उद्ध्वस्त करू शकतात, अशाही घटना घडतात। मग अशा वेळेला खरं खोटं कसं करायचं आणि त्या पुरुषांना न्याय मिळू शकतो का, असं काही तरतूद आहे का? कारण दोन्ही बाजूनी न्याय समान असला पाहिजे। जो 354 उन्होंने जो कायदा लगाया है रेप केस का, उसके अंदर उन्होंने ये भी तरतूद किया कि अगर वो महिला गलत साबित हो रही है तो वो जो कायदा है जो पुरुष की जगह पे पूरा का पूरा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा।
ये हमारे गवर्नमेंट ने किया हुआ है, लेकिन मैं ये भारतवर्ष में लागू करने को बोलूंगी, क्योंकि इसका जो कायदा, ये जो 354 का जो आज कलम है, वो 354 की बहुत जगह पे गलत रीत से भी यूज कर रही है महिलाएं। जो महिलाएं पुरुषों को डरा के पैसा निकालना चाहती है, वो भी बहुत सारे केसेस होते हैं। अभी जैसे कि अगर ये कायदे में ऐसा है कि कोई भी पुरुष ने अगर महिला को टच किया तो भी ये कायदा लागू हो सकता है, लेकिन मैंने अभी हमारे 3-4 दिन पहले ही मैं देखूंगी कि एक ऑफिस खाली कराने के लिए वो आदमी को 5-5 महिला बाउंसर्स, वो जो बिल्डर है वो लेके आके उसको धक्का मार के निकाल रहा है। तो उसके ऊपर भी हमने गुनाह दाखिल किया कि जो अगर महिलाएं ये क्राइम करती तो महिलाओं के ऊपर भी ये कायदा लागू होना चाहिए। आता हल्लीच आपण मला एक महिन्याभरापूर्वी रस्त्यावर घडलेली घटना होती, त्या टॅक्सी ड्रायव्हरला मुकाट उभा होता आणि त्याला 20-20, 25-25 थोबाडात त्या हिनी मारलं होत्या पोरीनी, आणि तो पण असा विचित्र प्रकार घडला होता आणि तो बिचारा काही बोलायला तयार नव्हता। मग अशा वेळेला महिला ते समोर दिसत असताना देखील कारवाई कुठे झालेली दिसली नाही, तर याच्यावर कसं काय एक तुम्ही प्रकाश टाका। आज आपने जो थप्पड़ वाला मामला बोला, तो वो लड़की को अरेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो लड़का आज कैब ड्राइवर था। अगर वो पूरा का पूरा दिन पुलिस स्टेशन में पीछे भागेगा तो उसकी रोजी रोटी कौन देखेगा। बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने उसको अरेस्ट भी किया है और ये एक ट्रेंड बनते गया है। अभी दूसरा एक जो था वो ट्रक ड्राइवर को मारा, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर सक्षम था इसलिए वो लड़की को उसने उधर का उधर ही जवाब दिया, तो वो आगे तक मामला बढ़ा नहीं। तो मैं बाल महिला विभाग से ये बोलना चाहूंगी, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, कि इसके ऊपर भी एक कोई ना कोई कायदा ऐसा बनाए कि अगर इन लोग ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं और सिर्फ छोटी सी पब्लिक सिटी के लिए अगर ये स्टंट करते हैं, तो इसको उधर ना उधर कुछ ना कुछ कायदे से इनको अटकाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक शेवटचा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो, मला सांगा ह्या शिकल्या सवरलेल्या मुली ह्या जेव्हा लिव्हिंग रिलेशनशिप मध्ये राहायला सुरुवात करतात, हे तुम्हाला पटतं का? कारण आज बरेच केसेस अशा झालेल्या आहेत की लिव्हिंग मध्ये राहणं आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये ती फारकत येणं आणि मग स्वतःला मॉड म्हणून घेणं आणि कुठेच काही झालं नाही तर मग कायद्याचा दरवाजा ठोकणं आणि हे जे तुम्ही सगळे कलम सांगितले याचा गैरवापर करून घेणं, हे तुम्हाला कितपत योग्य वाटतं? हे योग्य तो जरा भी नाही आहे, क्योंकि अभी ये फैशन बन गई है लिविंग रिलेशनशिप की, और उसके बाद में ये दो दो तीन तीन चार चार साल उनके साथ रहते हैं, जब भी वो पहचान नहीं पाते कि लड़के की मंशा क्या है। उसके बाद में उससे भी अच्छी कोई लड़की मिल जाती है या लड़का मिल जाता है, ये मैं दोनों बाजू से बोल रही हूँ, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा मुद्दा है वहां लड़की की भी मर्जी और लड़के की भी मर्जी दोनों समांतर चलती है, तो कोई कोई लड़कियां भी वो फसल मुख में आ जाती है और कोई कोई लड़के भी ये फसल मुख में आ जाते हैं। तो ये जो फसवा फसवी का है, तो मैं ये चाहूंगी कि इसके ऊपर किधर ना किधर कुछ ना कुछ कायदा, चाहे अगर वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट वाइज तो इसको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। बिल्कुल, म्हणजे हे म्हणायला काही हरकत नाहीये कि जसा नियम मुलींसाठी आहे तसाच मुलांसाठी आहे, आणि जसं एखाद्या मुलीचा फोन आल्यानंतर तुम्ही तिच्यासाठी हिरिरीने उभे राहाल, तसंच एखाद्या मुलाचा फोन आल्यानंतर देखील तुम्ही त्याच ताकदीने त्याच्यासाठी उभे राहाल का? म्हणजे ऑफकोर्स तो निर्दोष असला पाहिजे ही अट आहे, तर त्यावेळेला तुमची भूमिका काय असेल? मैं जो लड़का लड़की जेंडर देख के काम नहीं करती हूँ, उनकी तकलीफों के लिए मैं काम करती हूँ, कि जो कोई भी मेरे पास आएगा चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन सच्चा हो और वो गलत रीत से फंसाया गया हो, उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगी। आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं और आप मेरी टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके आजू बाजू के परिसर में ये सारी घटनाएं होती है तो आपका अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप मेरे साथ में आइए, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरी टीम भी है, मेरी टीम के भी मैं आपको नंबर वगैरह दूंगी, आपके एरिया के आजू बाजू में वो लोग आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद ताई, तुम्ही पाटलाच्या चावडीवर आला आणि तुमचे ज्वलंत विचार आज आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले। मुद्दे बरेच आहेत बोलण्यासारखं, पण काही ठळक मुद्द्यांवर बोलणं गरजेचं होतं जे आज आपण बोललो, आणि भविष्यामध्ये देखील ज्या वेळेला असं वाटेल की तुम्ही एखादा नवीन मुद्दा घेऊन समाजासाठी उभे राहिला असाल
त्यावेळेला ह्या पाटलाच्या चावडीवर तुम्हाला निश्चित आम्ही आमंत्रित करू। धन्यवाद। मैं पाटला की चावड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।